लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा, ढूंढे ना मिला हमको लाहौर तेरे जैसा। वैसे तो पाकिस्तान के बहुत ही कम ऐसे शहर हैं जहां पर खानों का जिक्र बखूबी होता है, उसमें से लाहौर टॉप ऑफ द लिस्ट है। और लाहौर के टॉप ऑफ द लिस्ट खानों में पट कढ़ाई, लक्ष्मी चौक वाले और काका गुर्दा चाप, ये दोनों तो लाजमी होते हैं। और लाहौर के चस्कों की क्या ही बात है। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम तहावर हसन और मेरे साथ हैं द फूड एक्सपर्ट अली शिराजी। आज हम आए हुए हैं द फेमस, अल्ट्रा फेमस लेजेंड कढ़ाइयों के लेजेंड, किंग ऑफ कढ़ाई, बट कढ़ाई। और आने की वजह ये है कि हम देखना चाहते हैं कि इसका टेस्ट वो है कि नहीं। वैसे तो बट बहुत ज़्यादा बट कढ़ाई है यहाँ पर, लेकिन फेमस शिराजी भाई बताएंगे कौन सी है। फेमस एक ही है, नदीम भट साहब, पुराने भी वही हैं। बोर्ड लगा होगा 60-70 साल से बाय नदीम भट। हमने बहुत से फूड ब्लॉगर देखे हैं, मतलब जो बाहर से आते हैं फॉरेन, वो जाते हैं दूसरी वाली बट कढ़ाई पे जो कि थोड़ी मम्मी डैडी सी है। हाँ। लेकिन वो पुरानी मतलब नहीं है, लेकिन पुरानी 60 साल से लाहौर में यही बाय नदीम भट। ये 1 किलो देसी मुर्गा है। अच्छा ठीक है, 1 किलो देसी मुर्गा, अपने प्याज डालने 1 किलो में, 2 टमाटर 1 किलो में डालने आप, ये नमक आ गया आपका, लाल मिर्च, ये है लहसुन का पानी। अच्छा लहसुन का पानी भी डालते हैं, लहसुन का पानी डालते हैं। ये हमने अपने पैसे बंद कर देना है, इसको हमने आप रखी है, इसको 10 मिनट लगाने हैं। जब ये वेट घूमेगा तो उसमें 10 मिनट लगाने हैं, 10 मिनट बाद ये प्रेशर बाहर आ जाएगा। सोचा नहीं में डालना आपने, नहीं मैं बुनाई करनी है, पानी खुशा करना है, मक्खन डालना है, मक्खन डाल लो, देसी घी डालना है, देसी घी भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपने अदरक हरी मिर्च ये डालना है। बुनाई करने के बाद जब तरी बाहर आ जाए तो आपने दही डालना है, दही डालने के बाद आपने एंड में काली मिर्च और हरा धनिया डालना है, आपकी कढ़ाई तैयार हो जाएगी। तो यार फाइनली कढ़ाई आ चुकी है और अल मशहूर बट कढ़ाई है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। और इसका सीन ये है कि काफ़ी देर भी नहीं लगी और जल्दी आई, कोरोना का टाइम है, रेस्ट ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये ऐसी जगह है जहाँ पर आपको यहाँ बैठने की जगह नहीं मिलती, इसलिए इन्होंने जगह एक्सटेंड कर दी है साइड साइड में और नई बिल्डिंग ले ली है। नहीं कोरोना के दिनों में टेस्ट की बात नो डाउट सभी जानते हैं, बहुत कमाल है। हम आज इसलिए यहाँ पर आए ताकि हम ये चेक कर सकें कि भाई टेस्ट बरकरार है कि ऑब्वियसली कढ़ाई में एक लेजेंड है, तो अगर आप फूड ब्लॉग कर रहे हैं और इनको कवर नहीं कर रहे तो वो ज्यादा होगी, तो इनके बारे में कुछ नया बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे सारी दुनिया जानती है कि कढ़ाई का एक ही नाम है पूरे पाकिस्तान में, ऐसे ही है। तो अब शुरू करें, मेरे ख्याल में काफी देर हो गया है, अब रोटी को इंतजार नहीं कराना चाहिए। चले जी पाप ले, अच्छा यार इसका जो खाने का मजा है वो कढ़ाई के अंदर ही है, प्लेटों में डाल के नहीं खाते हैं, वरना ये अगेंस्ट द मैनर्स होता है। इसकी मैनरिज्म यही है कि भाई कढ़ाई के अंदर ही खाए, प्रॉपर टेस्ट मिलेगा, जो प्रॉपर टेस्ट आपको मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट इट, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एंड चीयर्स। सेम ओल्ड टेस्ट, क्लासिक टेस्ट। इतने सालों बाद, हमने 10 साल पहले भी खरीदी तभी वही टेस्ट था, 5 साल बाद खरीदी वही टेस्ट है। और जितनी यहाँ पर इर्द गिर्द ब्रांचेस खुली हुई हैं इसकी, आप खा के देखिए, आपको वो जायका नहीं मिलेगा जो इसका है। ये नदीम भट साहब, नदीम भट साहब जो कढ़ाई का टेस्ट बनता है वो ग्रेवी से बनता है, चिकन ऑलमोस्ट सेम होता है, मसाले और ग्रेवी वो डिस्टिंक्टिव होते हैं एक चीज का जायका बनाने में, जबरदस्त। तो भाई 10 में से 10 ही है भाई, इसको 10 को 10 नहीं मिलेंगे, इसको 10 नहीं मिलेंगे फिर, मतलब लाहौर की जो शान है बट कढ़ाई फेमस, और किसको 10 मिलेंगे। फिर चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, इसको खा के भाई ये जल्दी खा लें, फिर आपको एक और जगह दिखानी है वो भी बड़ी कदीम और जबरदस्त है। हाँ जल्द मिलते, चलो फाइनली जान में जान आई है। और बट कढ़ाई के बाद हम आए हैं काका गुर्दा चाप, जो कि ऑलमोस्ट 50 से 60 साल पुरानी है, 22 साल हो गए हैं इसको यहाँ पर आए हुए। इससे पहले ये कहाँ पर थी? ये इससे पहले थी शीफे के सामने, लाहौर होटल के बिल्कुल साथ, और अब ये यहाँ पर शिफ्ट हो गई है बट कढ़ाई के बिल्कुल सामने। इसकी स्पेशलिटी है कि जितनी भी टकाटक तवे पे चीज़ें बनती, जिसमें गुर्दा, दिल, मगज, बेसिकली पहले टकाटक समझने की चीज़ है कि टकाटक होता क्या है। बेसिकली टकाटक मिक्सचर है डिफरेंट ऑर्गन्स का, बिल्कुल, जैसे दिल है, गुर्दा है, मगज है, चाँप है, तो इन सारी चीज़ों का जब मिक्सचर बनाते हैं आप तवे के ऊपर कीमे की फॉर्म में,
तो उसको टका टका। और शिराजी भाई आपकी मर्जी है, आप इसमें जो ऐड करवाना चाहें। हाँ, आप अपनी पसंद की चीज़ें ऐड करवा के उसका टका टका करवा सकते हैं। और आज हम क्या ऐड करवा रहे हैं? हम बेसिकली वी आर गोइंग फॉर मगज और चांप चांप और गुर्दा, कहने पे गुर्दा गुर्दा। ठीक है, ये तीन चीज़ें। दिल मुझे पसंद नहीं है, लेकिन उसका अपना जायका है। सो विदाउट इन डिले चलते हैं। दिल में हमारे साथ हमेशा धोखा ही हुआ है, तो ये बात पड़ेगी है। सो चलते हैं और दिल को दोबारा से रिफ्रेश करते हैं मज़े का खाना खा के। लेट्स गो यार। एक मगज चांप और गुर्दा। ये मगज है, ये कुर्ता है, ये चांप है जी, ये आपको पता ही है। ठीक है, और ये कपूरे हो गए, देसी घी हो गए। ठीक है, टेस्ट से आधा लो आते हैं ना, रश होता तो घंटा घंटा लोग इंतजार करते हैं। ठीक है, मज़ा आता तो आते हैं। स्पेशल ये कुर्ते कपूरे सारा कुछ स्पेशल है। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा, ढूंढे ना मिला हमको लाहौर तेरे जैसा। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा, ढूंढे ना मिला हमको लाहौर तेरे जैसा। यादों का रंग, बातों का रंग, सपनों का रंग, अपनों का रंग, कहतों का रंग, बातों का रंग, चेहरों का रंग, हाथों का रंग, मेलों का रंग, ठेलों का रंग, त्योहारों का, खेलों का रंग, हर रंग में है लाखों खुशियाँ। खामोशियों में भी इसकी एक शोर है। यार ओवरऑल मुझे जो टेस्ट लगा इसका वो बहुत ही अच्छा लगा है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये अगर आपको कभी टकाटक खाने का दिल करे या तवा पे कोई चीज़ बना के खाने का दिल करे तो उसमें गुर्दा काका जो है, काका गुर्दा चाम, इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन लाहौर। वैसे तो बहुत सी इस तरह के हैं, आपके अपने टेस्ट पर डिपेंड करता है। एज यूजल ये हमारी रिकमेंडेशन है कि आप कभी भी तवे का टकाटक खाना चाहें वो काका गुर्दा चाम है। और चिराजी भाई वो आप बताना चाहिए कटाकट वाला मामला जो कि आपने कहा था। हाँ, कुछ लोग टकाटक की जगह कटाकट भी बोलते हैं, स्पेशली जो कराची के लोग हैं वो कटाकट बोलते हैं। और बेसिकली लफ्ज़ जो है टकाटक टकाटक, स्पेशली तवे की आवाज़ की वजह से इसको टकाटक का नाम दिया जाता है, कटाकट। हाँ तो भाई काफ़ी थक गए और काफ़ी कुछ खा भी लिया है, बहुत अच्छे बाद मज़ेदार किस्म का खाना खाने को मिला है। बहुत शुक्रिया एंड तक देखने के लिए। सब्सक्राइब करें और जुड़ जाइए हमारे साथ और इस सफ़र पर आगे चलिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।